इतने सालों से जो बातें मेरे दिल में है, मुझे वो सारी बातें आपसे, मैं आपसे बातें करने आई हूँ। आपको मुझसे बहुत शिकायतें रही है ना, आप भी मुझे माफ कर दें प्लीज। दादी की इस कंडीशन के बारे में भी और बाबा पे लगे झूठे इल्जाम के बाद। इस बात का तो पहले ही रमशा को अंदाजा था कि शानी के साथ शादी करने के बाद वहां जाकर उनके साथ क्या सलूक होने वाला है। होगा भी वही, शानी पहले ही दिन से रमशा के साथ जानवरों की तरह सलूक करता रहेगा। लेकिन जब भी कासिम साबिया अफनान की कॉल आकर रमशा से सवाल करेंगे तो रमशा चुपचाप सब कुछ सहते हुए उनसे कहेगी कि मेरे साथ सब कुछ यहाँ ठीक है।